हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राज इलेक्ट्रिक वर्क। दोस्तों, ये अंडे वाले की मशीन है। दोस्तों, अगर ये स्विच है, अगर ये खराब हो जाए तो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, आज इसके बारे में हम बताएंगे। देखिए, इसके पीछे नट है, इसको खोल लेंगे। तरह से निकल जाता है। लीड को लूज कर लेंगे। देखिए दोस्तों, ये एलिमेंट का तार है, ये वाला, इसको डायरेक्ट करने के लिए ये एलिमेंट का तार है, इसको यहां से निकाल लेंगे। ये है, और एक हमारी ये मेन तार है, ये स्विच पैड से। इस थिम्बल को भी आपस में लगा सकते हैं इस तरह से। और इसके ऊपर टेप कर देंगे, ये हमारी डायरेक्ट हो जाती है। एक मेन लीड का तार और एक एलिमेंट का तार, इसको आपस में इस तरह से जोड़ देंगे, ये हमारी डायरेक्ट हो जाएगी। अगर ये स्विच खराब हो जाता है तो इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं इसको। देखिए, मेन लीड आ गई हमारी, ये सीधी डायरेक्ट एलिमेंट के पॉइंट पर लगा दिया हमने। और दूसरा तार थर्मास्टेट से यहाँ से इसके थ्रू दूसरा पॉइंट यहाँ पर आ गया एलिमेंट पर। इस तरह से ये डायरेक्ट हो जाता है। ये जो पॉइंट है, ये वाला, ये इसका इंडिकेटर के लिए है, न्यूट्रल है ये। ये दोस्तों न्यूट्रल है ये, इसको यहाँ से भी कट कर सकते हैं। ये हमारा ये हिस्सा अलग हो जाएगा। इस तरह से ये डायरेक्ट हो जाता है। अब हम इसे वापस फिट करेंगे। ओके, इस नट को लगा लेंगे यहाँ पर, इसको फुल टाइट कर देंगे। देखिए दोस्तों, मैं इसमें पानी डाल रहा हूँ। अब ये 2 मिनट में ही गर्म हो जाएगा। देखिए, भाप उठने लगी है इसके अंदर, ये गर्म हो गया। देखिए, इसका इंडिकेटर नहीं जलेगा क्योंकि हमने तार हटा दिए इसके। इस तरह से ही डायरेक्ट हो जाती है। हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।